मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बच्चों के विवाद में लाइव फायरिंग, एक दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। थाना शहजाद नगर में बच्चों के विवाद में लाइव फायरिंग और पथराव हुआ। दोनों पक्षों की आपस में फायरिंग का लाइव वीडियो देख सकते हैं। किस तरह से छत पर चढ़े हुए कुछ युवक अपनी बंदूक और राइफलों से धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे हैं। प्रधान पक्ष और प्रत्याशी प्रधान में हुई फायरिंग का लाइव वीडियो। फायरिंग और पथराव में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने किया मुआयना। शहजाद नगर थाना क्षेत्र के दुर्गन गला गांव का मामला। आज थाना शहजाद नगर क्षेत्र में एक समुदाय के लोगों के बीच झगड़ा हो गया, क्या है मामला सर? आज दिनांक 14/5/2021 को दुर्गन गला थाना शहजाद नगर में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बच्चों में वाद विवाद हो गया था। झगड़ा बढ़ गया और दोनों तरफ के लोगों में मारपीट और फायरिंग की घटना हो गई। दोनों पक्षों के बीच में कुछ लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया। गंभीर रूप से घायल एक एक व्यक्ति को हायर सेंटर रिफर किया गया है। पुलिस द्वारा मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैं आज दोपहर अपनी दादी से और दादा से ईदी मिलने के लिए गया। कुछ दोस्त पहले ग्राम दुर्गला में मेरे ताया का इंतकाल हो गया था। मैं उनका दुख में शामिल होने के लिए गया था। वहां से मैं वापसी आ रहा था तो जाफर जो कि प्रधान पत्नी और हिस्ट्री शीटर, उसने अपने भतीजे और भांजों के साथ में मुझे वहां पर घेर ली और तमाम मुझ पर लोगों ने हमला किया। वहां पर हमलावर के पास फिर मुझ पर फायरिंग की गई। आपकी चोट लगी? जी जी, मुझ पर तमाम चोटें लगी, जिसपे मेरे सर में चोट है बहुत ज्यादा, मेरे हाथ में छर्रे हैं, जिसकी वजह से मैंने शहजाद नगर पुलिस स्टेशन गया। और वहाँ पर किसके चोटें लगी आपके हाथ में? जिसमें चोटें लगी उसमें मेरे चचा हैं, तीन चचा हैं मेरे, एक मेरा चचेरा भाई है मोहसिन, उनके हालात अच्छे नहीं है, उसको यहाँ से रेफर कर दिया गया मुरादाबाद के लिए।